फ्रेंड्स ये चैप्टर या हम ये कहें कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ये घटना हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। माना जाता है कि इस घटना के बाद इस क्रांति के बाद मॉडर्न टाइम में जो चेंज हुए दुनिया में उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इस क्रांति का है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि we need to study history to understand the current situation, understand the present time. So we have to go back, and it's very important incident of history. So we need to study very carefully. सबसे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब हम मतलब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस यू नो फ्रांस से रिलेट करता है फ्रेंच जैसे कि इंडिया इंडिया से सेम वैसे ही फ्रेंच फ्रांस और रेवोल्यूशन इज क्रांति जब बाहरी भीड़ लोग पब्लिक कोई चीज को डिमांड के लिए वायलेंस का सहारा ले अपना विरोध करे और वो चीज इस तरीके से चली जाए कि उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सिस्टम के अगेंस्ट कोई कदम उठाए जाए देश में बहुत बड़े बदलाव आए किसी सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आए तो उस चीज को उस घटना को रेवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम टू टाइम वीडियो बनाते रहेंगे हम लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट वीडियो में हम उसका स्टार्टिंग देखते हैं अच्छा अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी मूवीज में होता है हमारी बॉलीवुड की मूवीज में होता है कोई सीन आ जाता है और उसके बाद में अचानक से कोई चीज फ्लैशबैक में जाती है हमें समझ नहीं आता है कि ये सीन क्यों आया तो उस सीन को समझने के लिए हम फुल उस मूवी को देखते हैं लेकिन उस सीन को समझने के लिए अगर हम देखें तो एक एक स्टेप को जोड़ना पड़ता है ये सीन यहाँ से क्यों रिलेट कर रहा है उस ठीक वैसे ही ये चैप्टर भी ये घटना भी एक ऐसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे हम देखेंगे कि ये घटना पेरिस में जो कि 18 सेंचुरी के लास्ट में हुई दैट इज 14 जुलाई 1789 यहाँ पे पेरिस आप जानते हो कि फ्रांस की कैपिटल है यहाँ पे बहुत भारी भीड़ ने हंगामा किया था वहाँ की जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी वहाँ का फोर्ट्रेस था वेस्ट साइड फोर्ट्रेस उसके ऊपर हमला किया था और उसके बाद पेरिस में एज वेल एज उनके गांव ग्रामीण इलाकों में पूरे फ्रांस में दंगे शुरू हो गए और इस घटना के बाद में वहाँ पे सरकार जो भी राजा सिस्टम था रॉयल फैमिली थी लुई 16 जो वहाँ के किंग थे उन्होंने मिलिट्री को भेजा था उनसे लड़ने के लिए और काफ़ी कुछ जो है इस डेट को हुआ और उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई और आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे काफ़ी कुछ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल बहुत सारे चेंजेस हुए तो इसलिए ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट बन जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये सबसे पहले हम एक सीन से शुरू करते हैं इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 में लगभग 7 से 8 हजार लोगों की जिसमें कि उन्हें विमेन में इकट्ठे हो रहे हैं पेरिस में और उन्होंने वहाँ की एक सरकारी बिल्डिंग की जिसको बेस्टाइल एक किला जिसे हम कहते हैं फोर्ट उस तरीके का था थोड़ा सा पहाड़ी पे हाइट के ऊपर उसके ऊपर हमला किया था और ये हमला जो था ये इसलिए किया गया था बिकॉज कि ये जो भीड़ थी उसको डर था कि वो जो चाह रहे हैं उसके लिए आसानी से गवर्नमेंट उनके प्रपोजल को उनकी बात को नहीं मानेगी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ने के लिए उन्हें स्पेशली सेना से लड़ने के लिए गोला बारूद हथियारों की जरूरत थी इन सर्च ऑफ एम्युनिशन उन्होंने इस जेल के ऊपर इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया था क्योंकि उनका मानना था कि इसके अंदर वो हमें हथियार गवर्नमेंट के सेना के हैं उनको लेने के लिए उन्होंने इसको आग लगा दी स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट्रेस और यहाँ पे एक प्रिजन भी था एक जेल भी थी यहाँ पे फॉर
सुना था। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस टाइम में इन्होंने जो अटैक किया उस जेल में कुछ कैदी थे, ज्यादा नहीं थे, उनको छुड़ाया, प्लस उसको आग लगा दी गई और उसके साथ में वहां पे इन सर्च ऑफ एमिनेशन उन्होंने बहुत सारी चीजें उसको तोड़ दिया। उसके बाद में तोड़ने के बाद उसके पत्थर बहुत इम्पोर्टेंट उनकी जो दीवारें और बिकॉज अगर मेन इस चीज का देखें तो ये जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस है ये लुई 16 जो किंग है वहाँ पे उसकी निरंकुश शासन का एक सिंबल था कि वहाँ से जो भी डिसीजन मान लिए जाते थे तो उनका माना जाता था कि यहाँ से जो हो रहा है इस जेल से यहाँ से जो ऑर्डर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ की पब्लिक के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से बनाए हुए थे और पब्लिक जो है वो रेवोल्यूशन तब करती है जब उनकी कोई डिमांड उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे मेक एफर्ट टू स्पेशली ब्रिंग द बेटर। सो दे अटैक ऑन द वेस्टर्न फोर्ट्रेस block it out and fire and collect the ammunition, so many stones and they spread all the things among the people and these news spread like a fire in the France entirely. धीरे धीरे करके ये घटना जैसे जैसे न्यूज फैलती गई उस टाइम पर पासवान करा मीडिया ये सब तरीके की फास्ट कम्युनिकेशन नहीं थे तो स्लोली स्लोली जिस तरीके से बात जाती है तो फिर ये दंगे शुरू होते हैं पहले बेल्ट में फिर ग्रामीण इलाकों में कंट्री साइड इलाकों में बात पहुंचती है। और इस घटना के बाद में फ्रांस में किस तरीके से फिर आगे की जो चीज़ें होती हैं मिलिट्री लुइस वहाँ का जो रॉयल फैमिली थी किस तरीके से उसको फेस करती है और आने वाले टाइम में फ्रांस में क्या बदलता है बिकॉज ये जस्ट उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्योंकि इस सीन को समझने के लिए लोग क्यों इकट्ठे हुए अचानक से क्यों प्लान किया क्यों इन्होंने किंग के अगेंस्ट वहाँ रॉयल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन किया इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हुई ये सब उन्होंने इसलिए किया इन सब चीज़ों को समझने के लिए वहाँ की सोसाइटी को लुईस रॉयल फैमिली